A very good morning, pupils. How are you all? Welcome to Stream Room BC class 3rd. In previous class, we discussed chapter number 9 of English Reader. Chapter number 9 हमने English Reader का देखा था 3rd class. Now class 3rd, today we start chapter number 10 of English Reader. Chapter number 10 देखेंगे आज हम English Reader का. So all of you take out your English Reader book 3rd class. 3rd class आपको अपने अपने English Reader की books निकालनी है. Chapter number 10 हम read करेंगे. ठीक है? All of you read chapter number 10 at home. घर पे पढ़ेंगे and listen this video carefully till the end. एंड तक आपको वीडियो अच्छे से सुनना है इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सबने प्रीवियस क्लास वाली वीडियो सुन ली होगी. नाउ सी चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 देखते हैं हम. द फिशरमैन एंड द जिन. फिशरमैन और जिन की स्टोरी है पेज नंबर 68 पे. ठीक है, रीड घर पे करेंगे सब अपनी बुक्स को. एंड अब हम क्या करेंगे, वीडियो को अच्छे से सुनेंगे. आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है थर्ड क्लास. ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम A fisherman lived close to the sea. एक समय की बात है, fisherman, fish, जो मछलियां पकड़ता है, fisherman और जिन की कहानी है. Once upon a time, a fisherman lived close to the sea. नदी के किनारे, सी के किनारे fisherman रहता था. One morning he threw his net into the sea. एक सुबह उसने क्या किया, अपना जो जाल है नदी का, नेट का जाल है, उसने किसमें फेंका, समुद्र में. As he pulled it, जैसे उसने खींचा, he felt it was heavy. और जैसे उसने अपना नेट को खींचा तो उसने देखा वो बहुत भारी है. He thought I have caught something. उसे लगा कि यार उसे बहुत कुछ मिला है. But when he looked at the net, his heart sank. तो जैसे उसने नेट की तरफ देखा तो उसका दिल बहुत टूट गया. He saw he had caught only a dead animal. उसने देखा कि उसने तो मरे हुआ जानवर नेट से निकाला है. द फिशरमैन थ्रू द नेट अगेन इन टू द सी. फिर उसने नेट जाल को वापस से समुद्र में फेंका. अगेन द नेट बिकम हैवी. फिर वही हुआ कि उसका जो जाल था वो भारी हो गया. बट ही पुल्ड द नेट टू शोर, ही सॉ ओनली अ बास्केट ऑफ गार्बेज. जैसे उसने फिर से दे फेंका पूरे समुद्र के अंदर, फिर से जैसे उसने खींचा तो उसने देखा कि यार ये तो कचरे से भरा बास्केट है. ठीक है, ओ नो ही क्राइड, वो रोने लगा. व्हाट इज हैपनिंग विद मी, मेरे साथ क्या हो रहा है. विल वी हैव नो फिश फॉर डिनर टुडे, क्या आज रात को खाने में मेरे लिए फिश नहीं होगी, हम रात को खाने में फिश नहीं खाएंगे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है. वंस मोर ही कास्ट अ नेट. फिर वही हुआ, उसने फिर से नेट को जाल के अंदर फेंका. एंड दिस टाइम ही ब्रॉट टू शोर ओनली शेल्स एंड सीवीड्स. लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे उसने जाल को फेंका तो उसने देखा कि खाली जाल आ रहा है. ठीक है, बट नाउ द फिशरमैन वॉज ट्राई, लेकिन उसने कोशिश करी. बट ही थॉट ही वुड ट्राई वंस मोर, उसने सोचा कि वो एक बार फिर से करेगा, क्योंकि खाली खाली नेट उसके पास आ गया. दिस टाइम व्हेन ही पुल्ड इन हिज नेट, जब उसने थर्ड टाइम डाला तो खाली नेट आया, फिर उसने कहा वो वापस डालेगा. फिर जब जैसे उसने नेक्स्ट टाइम डाला, दिस टाइम ही पुल्ड जाल को वापस से फोर टाइम डाला और खींचा तो उसके अंदर एक क्या था, कॉपर सा जाल, कॉपर स्टील, वो लोहे का कॉपर का जार था. ठीक है, जग टाइप जार. इट वॉज वेरी हैवी, वो बहुत भारी था. इट मस्ट बी फिल्ड विद मड, किससे भरा हुआ था, रेती से, मिट्टी से, रेती से भरा हुआ था. द फिशरमैन सैड, बट When he looked closely, he saw it was sealed with lead. जैसे उसने उसको और पास में जाके देखा, जाल के पास में देखा तो वो पूरा सील्ड था, बंद था पूरा था किसी रस्सी रस्सी से. The fisherman thought perhaps there are coins in it. जो फिशरमैन था, जो मछलियां पकड़ने वाला था, उसने सोचा कि यार इसके अंदर कहीं कॉइन्स तो नहीं है, पैसे तो नहीं है. He cut away the seal with his fishing knife and opened it. उसने क्या किया, उसके पास जो चाकू था जिससे वो फिश काटता था, उससे उसने सील को पूरा खोला, काटा और खोला. Just at that moment, a thick cloud of smoke came out of the jar. जैसे ही वो हुआ तो धुंधला धुंधला बादल टाइप से उसमें से निकला. ठीक है, The smoke spread all over sand and sea. पूरे उस तरह पूरा धुआं धुआं सा छा गया. It took the shape of a gin. उसमें क्या निकला है, जिन जैन जैन टाइप जो था वो उसको दिखा.
उसने ऐसा क्रिएचर कभी भी नहीं देखा था। जिन टाइम जैसा कि आपकी बुक में दिख रहा होगा, आप सबको दिख रहा है ऐसा क्रिएचर जिसको हम जिन बोलते हैं, इस फिशरमैन ने कभी ऐसा क्रिएचर देखा ही नहीं होगा कभी भी। द फिशरमैन गैदर्ड करेज एंड आस्क्ड, उसने अपने अंदर क्षमता लाए और वो बोले, उनसे पूछा, जिनी हाउ डिड यू कम इनसाइड दिस जार। द फिशरमैन गैदर्ड करेज एंड आस्क्ड, उसने बहुत ही उससे पूछा, जिनी हाउ डिड यू कम इनसाइड दिस जार, तुम इस जार के अंदर कैसे आए। जिन द जिन रोल्ड, स्पीक पोलाइटली टू मी बिफोर आई किल यू, मुझसे बात करने से पहले प्यार से बात करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। व्हाट द फिशरमैन क्राइड, क्या अ फिशरमैन ये सब बोलकर रोने लगा। व्हाई वुड यू किल मी, किल द मैन हू सेट यू फ्री, तुम उस इंसान को कैसे मार सकते हो जिसने तुम्हें आजाद किया है। शुड यू नॉट रिवॉर्ड मी, क्या तुम मुझे इनाम नहीं दोगे। आई शैल ग्रांट यू वन थिंग, हाँ मैं तुम्हें एक जरूर चीज दूंगा। द जिन रिप्लाइड, दूंगा मैं तुम्हें। यू मे चूज योर मैनर ऑफ डेथ, अब तुम्हें अपनी मृत्यु को खुद ही चूज करना है, तुमने खुद ही एक मृत्यु चूज करी है। व्हाई व्हाई वुड यू किल मी, द फिशरमैन आस्क्ड, क्यों क्यों तुम मुझे क्यों मारोगे, वो उस फिशरमैन उससे पूछता है। हेयर माई स्टोरी एंड यू शैल अंडरस्टैंड, तुम मेरी कहानी सुनो अब तुम्हें समझ में आएगा, सैड द जिन, जिन ने बोला। एंड सो ही टोल्ड हिज टेल, फिर उसने अपनी बात बताई। लॉन्ग अगो आई अपोज द किंग ऑफ द जिन, मैं उसके जिन के अपोज था। टू पनिश मी, उसने मुझे पनिश किया। द किंग इनक्लोज मी इन दिस जार, सील्ड इट एंड विद लीड एंड थ्रू इट इनटू द सी, फिर उसने मुझे पनिश किया, फिर उसने मुझे इस जार में बंद किया, धागे से पैक किया और मुझे कहां पे फेंक दिया, सी के अंदर। फॉर द फर्स्ट 100 ईयर्स ऑफ माय कैप्टिविटी आई श्योर आई वुड मेक हिम अ रिच मैन हू फीड मी, फिर 1100 साल के बाद जब वो हुआ कैप्टिविटी हुई, फिर मैंने ये सोचा कि जो मुझे इससे आजाद करेगा मैं उसे पैसे वाला बना दूंगा। बट नो वन सेट मी फ्री, किसी ने मुझे आजाद नहीं किया। ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी ऑफ माई इम्प्रिजनमेंट, फिर सेकेंड सेंचुरी हुई जो मेरी इम्प्रिजनमेंट की, आई होप टू गिव ऑल द ट्रेजर्स इन द वर्ल्ड टू द मैन हू सेट मी फ्री, मैं उस इंसान को सारे ट्रेजर्स दूंगा जो मुझे यहाँ से आजाद करेगा। बट नो बडी कम टू हेल्प मी, लेकिन कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। इन द थर्ड सेंचुरी, फिर तीसरी सेंचुरी में आई श्योर आई वुड मेक माई सेवेरियर द किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टे नियर हिम एट ऑल टाइम ग्रांटिंग हिम थ्री विश ईच डे, फिर उसने बोला जो थर्ड सेंचुरी में मैंने ये खुद से किया था कि जो मुझे इस यहाँ से आजाद करेगा उसके साथ मैं हमेशा रहूंगा और उसकी तीन विशेष में हर दिन में पूरी करूंगा। कितने विशेष, थ्री विशेष, ठीक है नाउ सी क्या होता है। बट अनदर 100 इयर्स पास, फिर आखिर अगले 100 साल के बाद स्टिल आई ट्रैप्ड इन द जार, मैं फिर से इसी जार में बंद था। माय एंगर ग्रू सो, मेरा जो गुस्सा था वो बढ़ गया। ग्रेट डैट आई होप डैट हूएवर सेट मी फ्री वुड बी पनिश्ड विद दैट, जो मुझे यहां से आजाद करेगा उसका पनिशमेंट यही होगा कि उसको क्या होना होगा, वो मरेगा, वो पनिशमेंट क्या होगा, डेथ होगी, मौत होगी। हिज ओनली विश बीन द मैनर बाय विच ही वुड डाई एंड सो यू मस्ट चूज, अब तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें अब मरना ही होगा क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया, तुमने मुझे खोला, मेरा गुस्सा और बढ़ा दिया। द जिन एंडेड हिज टेल, उसने अपनी बात को पूरा खत्म किया। प्लीज रिक्वेस्ट द फिशमैन डू नॉट किल मी, आई हैव हेल्प यू, उसने बोला, उसने बहुत ही प्लीज किया कि तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। द जिन सैड, जिन ने बोला, यू आर वेस्टिंग माय टाइम, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, चूज योर डेथ नाउ, अब तुम अपनी मृत्यु चुनो। द फिशरमैन थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सैड, वो फिशरमैन ने एक मिनट को सोचा फिर बोला, डू यू रियली लिव इनसाइड दिस नैरो जार फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्या सच में तुम इस जार में लंबे समय से रह रहे हो। What the jinn cried, जिन क्या ने रोने लगा, क्या फूल यू सो विद योर ओन आईज, तुमने अभी अब तुम पागल हो, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा अभी। कौन बोलता है, जिन बोलता है किसको, फिशरमैन को, क्योंकि फिशरमैन ने क्या क्वेश्चन बोला, क्या तुम सही में इस जान में काफी समय से बंद हो, काफी ईयर से। द फिशरमैन सेड आई कांट बिलीव इट,
टीचर, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इसमें काफी टाइम से बंद हो, मैं तुम मान ही नहीं सकता। हाउ डेयर यू, क्राइड द जिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिन ने बोला। नो आई डू नॉट बिलीव योर स्टोरी सेड द विजन, मुझे तुम्हारी कहानी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। द जिन रोड, देन यू शैल सी वंस मोर, क्या तुम फिर से देखना चाहते हो, किसने बोला, जिन ने। ही बिगेन टू ट्रांसफॉर्म अगेन इंटू स्ट्रॉन्ग एंड स्लिड बैक इंटू द जार, फिर वो अपने धुएं में घुस गया और उस जार के अंदर चला गया। दिस वॉइस कम फ्रॉम इनसाइड, डू यू बिलीव मी नाउ, फिर उस जार के अंदर से आवाज आने लगी, क्या तुम अब तुम्हें विश्वास है। यस आई डू, हाँ मुझे विश्वास है, द फिशरमैन सेड, फिशरमैन ने कहा। देन ही क्विकली टुक द लिड एंड शट द जार टाइटली, जैसे ही उसने ये शब्द बोले फटाफट से उसने ढक्कन उठाया और उस जार को बहुत अच्छे टाइप से बंद कर दिया। यू ट्रिक्ड मी, द जिन क्राइड, तुमने चालाकी करी, तुमने मेरे साथ चालाकी करी। टेक ऑफ द लिड, मुझे खोलो, इस लिड को खोलो। आई प्रोमिस नॉट टू हार्म यू, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ वेल्थी, उसने बोला। मैं तुमने, वो कहता है कि तुम, जिन कहता है कि तुमने चालाकी करी, मुझे खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत पैसे वाला वेल्थी बनाऊंगा। द फिशरमैन शॉक हिज हैट एंड सेड, फिशरमैन शॉक हो गया और बोला, आई कांट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। एंड ही थ्रू द जार इनटू द सी, फिर उसने क्या किया, वो जार को वापिस के वापिस किस में फेंक दिया, नदी में, सी में फेंक दिया। तो समझ में आया है आपको, क्योंकि फिर एक तो जिन को उसने आजाद किया और ऊपर से जिन उसको कहने लगा फिशरमैन को कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें अपनी मृत्यु चूज करनी है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उसको गुस्सा आया और उसने फटाफट से अपने माइंड से प्लान अपने मन में बना लिया और उसको बोला कि मुझे तुम्हारी कहानी पे ट्रस्ट नहीं है, तो मुझे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, फिर अब तुम क्या करोगे, तुम मुझे खुद ही, तुम तो कह रहे कि क्या कह रहे हो, तुम्हें विश्वास नहीं, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा, जिन बोलता है। फिर वो कहता है नहीं नहीं मेरे को तो विश्वास नहीं है। फिर उसने कहा कि तुम देखना चाहते हो, उसने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूँ। फिर उसने फटाफट से वो वापस उस जाल में चला गया और फिशरमैन ने चालाकी करी, उसने फिर से ढक्कन उठाकर उसको जाल में पैक कर दिया और नदी में फेंक दिया। क्यों, क्योंकि उसने उसके साथ चालाकी करी थी और वो उसको मारना चाहता था। तो आपको समझ में आई ये स्टोरी, समझ में आई। सो घर पे आपको अच्छे से डील करना है ये चैप्टर, ठीक है, चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करनी है और ये वीडियो अच्छे से सुनना है। देयर आर फ्यू हार्ड वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स हैं, इधर देखिए, इधर सी लेट, सी लेट, क्रिएचर, मैनर, ट्रेजर्स, ग्रांटिंग, क्विकली, टेक, ट्रिक। तो ये आपको लर्न करने हैं हार्ड वर्ड्स, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्लास वी मीट विद न्यू चैप्टर, टिल देन बाय फ्रेंड्स, स्टे होम, बी सेफ, कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक थर्ड क्लास, रीड चैप्टर नंबर 10 एट होम, लिसन दिस वीडियो केयरफुली टिल द एंड थर्ड क्लास।